को मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद जी मैंने ये पूरा पैकेट डाल लिया। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, चीनी भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा इसको थिक करेंगे और फिर हमारी खीर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ पुदीने का रायता कह लें, पुदीने की चटनी कह लें। तो फ्रेश पुदीना लिया, हरी मिर्चें ली और अब इनको मैं पीस लूँगी और फिर उसके बाद जी पुदीने की चटनी जो है वो तैयार हो गई है जी। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सी खीर भी तैयार हो गई है और टॉप पे गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बारीक कट करके बादाम भी डाल दी हैं, इससे जो है खीर की लुक अच्छी लग रही है। और इधर जी बिरयानी भी तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनी है और देखने में लग रही है कि सही स्पाइसी मज़ेदार बनी है जी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक साइड से हिला लूँगी और फिर उसके बाद जो है डिश आउट करूँगी। ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए जी शाम का खूबसूरत मंज़र, प्यारी सी शाम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।